हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक स्मिथ में। आज अर्निंग थ्रू लर्निंग सेक्शन में हम बात करेंगे पेपर ट्रेडिंग के बारे में। आपने हमारा पेपर ट्रेडिंग पार्ट वन वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हमने वादा किया था कि पेपर ट्रेडिंग पार्ट टू लेके आएंगे, जहाँ पर हम पेपर ट्रेडिंग में जो स्टॉक सिलेक्शन किए थे उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेट चलते हैं मनी भाई moneycontrol.com की तरफ। दोस्तों, मनी भाई moneycontrol.com वेबसाइट में जब आप लॉगिन करते हैं तो ये पेज स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटवर्थ इज़ अराउंड 1,11,30,498। हमने पार्ट वन वीडियो में आपको बताया था कि मनी भाई एक इन्वेस्टिंग सिमुलेशन प्रोग्राम है और यहाँ पर आपको 1 करोड़ कैश डमी दिया जाता है फॉर दी पोर्टफोलियो अकाउंट और अनदर 1 करोड़ दिया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर वर्चुअल मनी का इस्तेमाल किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या फिक्स डिपॉजिट्स हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो सेक्शन में। पोर्टफोलियो सेक्शन में आप देख सकते हैं माई स्पेस टैब के अंदर में आपको दिखाई देगा आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, आज के दिन में अब तक टोटल कितना गेन बना लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,30,497.95 रुपीस की अब तक टोटल गेन्स हो चुकी है। ये 11.3% है इन कंपैरिजन टू दी टोटल वर्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए 1 करोड़ जो मिलता है उसे हमने यूज़ नहीं किया है, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है और करंटली जो टोटल अमाउंट हमारे पास में है 1,11,30,498, इसमें 9,18,708.2 रुपीस अभी भी अवेलेबल है फॉर ट्रांजैक्शन, तो हम चाहें तो और भी बाइंग कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ दिखेगा कि टॉप गेनर्स दिन के कौन से थे, जैसे एबर्ट इंडिया यहाँ पर दिखा रहा है आज का टॉप गेनर था, साथ में टॉप लूजर कौन था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, रिसेंट ट्रांजेक्शन जो किए थे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं 20th जुलाई को हमने 25 शेयर्स बाय किए थे बजाज फाइनेंस के, 16th जुलाई को हमने बाय किया था 5+10 शेयर्स वैभव ग्लोबल के, हमने 9 जुलाई को 50 शेयर्स NIIT के सेल किए थे और हमने 8 जुलाई को हनीवेल ऑटोमेशन के 1 शेयर बेचे थे। तो इस तरह की समरी भी आ जाती है। आप यहाँ पर सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लिक करके आगे के बाकी ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले ट्रांजैक्शंस की तरफ मुक करते हैं। ट्रांजैक्शन शीट में आप देख सकते हैं कि कौन से सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, डेट वाइज भी आप ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि जनवरी से लेके अप्रैल तक हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की थी, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। हमने ट्रांजैक्शन मई महीने से शुरुआत की थी जब हमने हमारा पार्ट वन का वीडियो पोस्ट किया था, उसी के साथ साथ हमने हमारे इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की शुरुआत की थी। हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका नाम है स्टॉकस्मिथ LT, LT इन द सेंस लॉन्ग टर्म। और आप देख सकते हैं 1 मई से 22 जुलाई के बीच में ही हमने सारी ट्रांजैक्शन की थी। मई में इतने सारे ट्रांजैक्शंस हमने नहीं किए थे, हमने फोकस किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना जून से, तो जून से जुलाई के बीच में हमने काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं, स्पेशली जुलाई में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमने किया हुआ है आप देख सकते हैं। और हर महीने में मल्टी बैगर्स चेंज होते हैं, तो हमने सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है इस पोर्टफोलियो में और हमने कोशिश की है कि हम इसको मैनेज करें। तो हम चलते हैं अभी पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि टुडेज गेन आज के दिन में लगभग 1,28,000 का गेन हुआ है और अब तक जो टोटल गेन है लगभग 11,30,497 का हुआ है।
So this is in total about 1,11,30,498. So ये हमारी total dashboard है। आप देख सकते हैं total investment हमने stocks में की हुई थी 50 stocks, अभी currently दिखा रहा है। हमने overall anywhere between 70 to 80 stocks का selection किया था last 2 months में। आप देख सकते हैं इंट्राडे में कोई सिलेक्शन नहीं है, म्यूचुअल फंड में कोई सिलेक्शन नहीं है और बॉन्ड्स में कोई सिलेक्शन नहीं है। हमने फिक्स डिपॉजिट्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, हमने इंट्राडे में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, प्योरली हमने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। करेंटली ये सारे मल्टीबैगर्स भी हमारे स्टॉक लिस्ट में हैं। हम इन्हें सिलेक्ट करने के लिए स्टॉकस्मिथ ग्रोथ इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं और हर महीने स्टॉकस्मिथ ग्रोथ इंडेक्स एक नई लिस्ट बना के लेके आता है। हम हमारे वीकली वीडियो में एक वीडियो तो ऐसा पब्लिश करते हैं जिसमें हमने मल्टीबैगर का जिक्र किया होगा डिटेल में, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिस्ट आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। हर महीने जब लिस्ट चेंज होती है तो उसका हम वीडियो पब्लिकेशन भी बनाते हैं, टोटल लिस्ट जो है हम आपको प्रेजेंट करते हैं। हमने इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है और टाइम टू टाइम हम इसे रीप करते हैं। जैसे ही इसका जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पास में पहुंचता है हम इसे सेल कर देते हैं, और जैसे ही सपोर्ट के पास में आता है हम इन स्टॉक्स को बाई करते हैं। बाइंग और सेलिंग करना काफ़ी आसान है। आप ट्रांजैक्शन टैब में क्लिक करके स्टॉक्स टैब के अंदर में आप यहाँ पर स्ट्रेट स्टॉक का नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस। रिलायंस के अंडर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमें सिलेक्शन करना हो तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैश या इंट्राडे आप डिसाइड कर सकते हैं। कैश में हम बाई या सेल कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी स्टॉक्स अकाउंट में हैं तो हम सेल कर सकते हैं और अगर नहीं है तो हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेट क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं, हमें कितनी क्वांटिटीज़ चाहिए, करंट मार्केट प्राइस में चाहिए तो हम लिख सकते हैं, क्या ये ऑर्डर सिर्फ अगले ट्रेडिंग सेशन तक ही वैलिड रहेगा जो GTD करेंगे गुड टिल डे, या फिर हम गुड टिल कंफर्मेशन ऑर्डर का सिलेक्शन करेंगे। ज़ीरोधा एप्लीकेशन में भी GTC का एक सिमिलर फीचर है, GTT गुड टिल ट्रिगर्ड, वहाँ पर भी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं रियल मनी के साथ में। तो हमने यहाँ पर 2 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लिया है करेंट वैल्यू के हिसाब से, ये टैक्सेस को जोड़ के ये वैल्यू इंक्रीज हुआ है। हम साथ में टारगेट का भी डिसीजन ले सकते हैं इसी टाइम पे, और हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने किस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत स्टॉक बाइंग की है, या इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब टारगेट और स्टॉप लॉस को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अभी अगर टारगेट हमारे एनालिसिस से हमें समझ में आता है कि 2400 के पास में है तो हम इस वैल्यू का इस्तेमाल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि 1850 का स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है और अगर इसके नीचे जाता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मल्टीबैगर्स में इट इज़ एन इंडिविजुअल डिसीजन वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट विद अ टारगेट एंड अ स्टॉप लॉस, बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ऑर्डर प्लेस हो चुका है और पेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर क्लिक करके या फिर पोर्टफोलियो में ऑर्डर बुक के अंडर में हम देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर बाय की जो है प्लेस हो चुकी है रिलायंस स्टॉक के लिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि हमने मार्केट प्राइस में बाय ऑर्डर प्लेस किया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्टॉक को बाय करें लिमिट ऑर्डर पे तो उसका भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम कोई और स्टॉक का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, और हम बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फॉर एनी क्वांटिटीज दैट वी लाइक 100 क्वांटिटीज, और इंस्टेड ऑफ द मार्केट प्राइस हम लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मुथूट फाइनेंस नीचे आएगा 1290 पे तो 1290 पे हम GTC ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही ये लिमिट प्राइस ट्रिगर होगी ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि करेंटली हमारे कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो की तरफ। ये
तो ये हमारा पोर्टफोलियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही धुरंधर मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। इन मल्टीबैगर स्टॉक्स में कितने ही ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, स्टॉक्स में ग्रोथ इंडेक्स में इनकी वैल्यू कम होती जा रही है दिन ब दिन, तो उस हिसाब से हम उन्हें निकाल भी देते हैं। जैसे ही वो कमज़ोर होते दिखाई देते हैं हम उन्हें सेल कर देते हैं, और जैसे ही कोई नया मल्टीबैगर स्टॉक उभर के आता है तो हम उसकी बाइंग करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस पेपर ट्रेडिंग एक्टिविटी में हमने हार्डली 1 आवर पर वीक का टाइम स्पेंड किया है फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो। पेपर ट्रेडिंग में हमने ये एक्सरसाइज इसीलिए की है ताकि हम हमारे सारे व्यूअर्स को बता सकें कि इक्विटी ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है। अगर क्वालिटी स्टॉक्स, अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स, अच्छे डिसीजंस के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का इस्तेमाल अगर आपने किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो ये नॉर्मली डिक्लाइन नहीं होते हैं। आप हमारे इस पोर्टफोलियो में देख सकते हैं 50 स्टॉक्स हैं और इसमें हार्डली फ्यू आर इन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी पॉजिटिव। तो ये पावर होती है कैलकुलेशन की, और इवैल्यूएशन इस हिसाब से करना चाहिए कि उसका रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिले। दोस्तों हम लोग जो वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं वो डेली नहीं करते हैं, दिन में दूसरा काम होता है तो इवनिंग में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हुआ है, यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद में जो प्राइस थी उसके बाद आज लगभग 65,000 प्लस का गेन हुआ है। देयरफॉर 11 लाख के जगह पे अब हमारी गेन लगभग 12 लाख के पास में हो गई है। तो ये एक चेंज है, हम आपको बता देना चाहते थे क्योंकि आपको लगना नहीं चाहिए कि स्क्रीन पे 11 लाख के पास की जो रकम थी एकदम से 12 लाख कैसे होगी। तो यही रीज़न है रिकॉर्डिंग आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा चेंजेस दिखाई देगा। कम एफर्ट में इक्विटी डिलीवरी में भी आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों अपने स्टॉक्स के साथ कभी अटैचमेंट मत कीजिएगा। आपने एक स्टॉक को बाय किया है, बाइंग करने के बाद में उसका एक टारगेट सेट कर लीजिए। हो सकता है वो पिवोट पॉइंट हो, या हो सकता है वो RSI की वैल्यू 60 के नीचे आ रही हो, हो सकता है MACD कन्वर्ज कर रहा हो, MACD के 26 और 12 के जो मूविंग एवरेजेस है कन्वर्ज कर रहे हो, वो पॉइंट पे आपको एग्जिट करना चाहिए। हो सकता है उसका मूविंग एवरेज 10 का 20 के नीचे जा रहा है, इसीलिए आप समझते हैं अब बेयर मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। तो किसी भी हिसाब से आप कर सकते हैं, आप परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं कि अगर 20% आए तो आई विल सेल इट, और 25% आए तो आई सेल इट। तो इस तरह का कोई भी एक सिस्टम बना के रखिए कि एक स्टॉक आपने बाई किया है, देन यू हैव टू सेल इट एट अ पर्टिकुलर टारगेट एट अ हाई। यू आर बाइंग एट अ लो वैल्यू एंड यू हैव टू सेल इट एट अ हाई वैल्यू, अदरवाइज एक साइक्लिक फॉर्मेशन में वो चला जाता है और आपका जो पैसा है वो अटक जाता है। आपने 100 में बाई की थी, उसका हाई 120 का है, और 120 में अगर आपने नहीं बेचा है तो फिर से वो 100 पे आ जाता है एंड द साइकिल कंटिन्यूस। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बाई लो पे करना है और सेल हाई पे करना है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसके जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक का रिव्यू हम करें और आपको बताएं कि वेदर दिस इज़ अ मल्टीबैगर और अ पोजिशनल ट्रेड स्टॉक और नन ऑफ द टू, तो प्लीज़ हमें लिख के बताइए, हम उस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि उसकी पोजीशन कैसी है। अगर वो स्टॉक मल्टीबैगर या लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई करता है तो उसका वीडियो भी बना के हम डिटेल एनालिसिस आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हमने एक नई सीरीज बनाने का सोचा है जिसमें हम 10 से 15 वीडियोस ओनली डेडिकेटेड टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ही करेंगे। सबसे पहला वीडियो बेसिक्स के ऊपर होगा, फॉलोड बाय दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दी कैंडलस्टिक पैटर्न द डोजी। डोजी किन किन प्रकार के होते हैं, डोजी न्यूट्रल होता है लेकिन उसके साथ किस तरह के कन्फर्मेशन के साथ में वो एक बहुत ही पावरफुल रिवर्सल इंडिकेटर बन जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसके जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, अलविदा, फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।